Assalamu alaikum, it's me Ikra Seda Basi. Welcome back to my channel. Here is the first episode of my short course on psychology. And today's topic is all about difference between a psychologist and a psychiatrist. I just divided my video in four segments. In the first segment, I will talk about which degree requires to become a psychologist or a psychiatrist. In the second segment, I will talk about how a psychologist treats the patient and how a psychiatrist treats the patient. In the third segment, I will talk about scope or jobs of psychologist and scope or jobs of psychiatrist. While in the fourth segment, I will talk about importance of psychologist and psychiatrist. Let's move towards our first segment. साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में भी साइकोलॉजी पढ़ी हो. आप बीएससी में साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप एमएससी में साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं. बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करें, क्योंकि जब आप 4 साल से मुसलसल एक फील्ड से वाबस्ता रहते हैं तो वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा देती है, आपके स्किल्स इन्हांस करने में आपकी मदद करती है. उसके बाद आप डिप्लोमा कर लें इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और क्लिनिकल सेटिंग्स में जा सकते हैं. और अब जितनी भी जॉब्स आती हैं, स्पेशली BA17 स्किल्स की जॉब आती हैं, उसमें आपके मास्टर्स डिग्री के साथ आपका डिप्लोमा भी मांगा जाता है. तो इसका मतलब है डिप्लोमा भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं. और या फिर अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते तो आप एमफिल कर लें, एमफिल करने के बाद आप पीएचडी की तरफ भी जा सकते हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आप साइकाइट्रिस्ट बनना चाहते हैं, तो साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एफएससी प्री मेडिकल में करें, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं अपनी एमबीबीएस डिग्री करने के लिए. एमबीबीएस डिग्री करने के बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में और आप साइकाइट्रिस्ट कहलाए जाते हैं. तो यहाँ पे एक बात है, आपने देखनी है कि कोई भी आपने जॉब स्टार्ट करनी है, कोई भी जॉब, साइकोलॉजी हो या साइकोलॉजी से हट के कोई भी जॉब हो, तो उसके लिए आपका मास्टर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब मास्टर्स आप कर लेते हैं तो आपके नाम के साथ टैग लग जाता है. अगर आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर लेते हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं. फिर आगे आपका इंटरेस्ट क्या है, आप एमफिल किस में करते हैं, आप डिप्लोमा करते हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइटल दे दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, अगर आप एमफिल इन काउंसलिंग करते हैं तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे. इसी तरह अगर आप चाइल्ड स्पेशलाइजेशन करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं. हम चलते हैं अपने सेकेंड सेगमेंट की तरफ. अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं. सबसे पहले पेशेंट आता है तो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं. केस हिस्ट्री लेने के बाद डायग्नोसिस करते हैं. डायग्नोसिस के बाद इनका जो डिफरेंस आता है वो ट्रीटमेंट में डिफरेंस आता है. मिसाल के तौर पर साइकाइट्रिस्ट पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और अगर पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो तो वो ECT दे सकते हैं. जबकि दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं दे सकते, साइकोलॉजिस्ट ECT की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं होते. साइकोलॉजिस्ट की वर्किंग होती है कि वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अप्लाई करते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है ये भी मैं अपने शॉर्ट कोर्स में आप लोगों को बताऊँगी. उसके बाद साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट करते हैं. साइकोथेरेपिस्ट क्या होती हैं वो भी मैं अपनी एक एपिसोड में आपको बताऊँगी. साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास जॉब्स ऑप्शन क्या हैं. अगर तो आप साइकाइट्रिस्ट बन चुके हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं. उसके अलावा आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, अपना क्लिनिकल सेटअप कर सकते हैं. और अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उस फील्ड में जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाना होगा, क्लिनिकल सेटअप करना होगा.
एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए एमफिल इन एजुकेशन, और या फिर आपने किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा साइकोलॉजिस्ट काम किया हो। और इसी तरह अगर आप जेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। अपने लास्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो दोनों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, दोनों की अपनी अपनी वर्थ है। अब मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट का न्यूरोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है। अब वहाँ पे आप उसको जितनी मर्जी थेरेपी दे लें, जब उसका माइंड ही बैलेंस नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके बैलेंस नहीं है, तो वो आपकी थेरेपी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और आप जितना टाइम उसको देते हैं वो ज़ाया हो जाएगा। वहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है। पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसको स्टेबल किया जाता है, जब वो स्टेबल हो जाता है फिर उस पर साइकोथेरेपी अप्लाई की जाती है ताकि वो चीज़ों को हजम कर सके। मिसाल के तौर पर अगर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है तो पहले उसको मेडिसिन दी जाएगी ताकि उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री बैलेंस हो जाए। उसके साथ साइकोलॉजिस्ट ये काम कर सकता है कि उसकी ग्रूमिंग पे काम कर सकता है, लाइक वो मेडिसिन वक्त पे ले, खाना वक्त पे खाए, सोए वक्त पे, तो साइकोलॉजिस्ट साथ इन चीज़ों का ख्याल रख सकता है। अगर आप किसी पेशेंट को चेक करवाना चाहते हैं या फिर अपना चेकअप करवाना चाहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट से भी चेक करवाएं और साइकाइट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना ना भूलें, क्योंकि दोनों की वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है और समटाइम्स आपको थेरेपी की ज़रूरत होती है। मेडिसिन आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री को बैलेंस करती है, जबकि जो थेरेपी है वो आपको बताती है कि आपने नेगेटिव सिचुएशन से कैसे कोप अप करना है, आपने स्ट्रेसर्स को कैसे हैंडल करना है, आपने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो दोनों की वर्किंग से कभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते, भी ये ना कहें कि साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसी तरह कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनको डेवलप होने में टाइम लग रहा है, एक्सेप्टेंस मिलने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का स्कोप नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से ऐसे MBBS डॉक्टर्स हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, इंजीनियर्स के पास जॉब नहीं है, बिजनेसमैन है, उनके पास अगर वो उनका अपना कोई बिजनेस नहीं है या उस फील्ड में वो जा नहीं रहे और वो जॉब नहीं कर रहे या अपनी पर्सनल चॉइस है उनकी वो जॉब नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का स्कोप नहीं है। बल्कि आप मेहनत करें, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको सिला मिलेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको अपनी फील्ड पे प्राउड फील होगा। हम लोगों को एक दूसरे की प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम किसी के प्रोफेशन के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, और अगर कोई फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके अलावा सेकंड एपिसोड जल्दी अपडेट कर दूँगी और उस सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे कि केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं पेशेंट की। तो ये वीडियो हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। मे बी ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो कि कहीं आप में या आपके किसी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा इशू तो नहीं चल रहा, या अगर कोई इश्यू चल रहा है तो वो किस किस वजह से हो सकता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।